हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंड रिसाइजर ऐप की। दोस्तों, आपके सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती होगी जब आपको आपके फ़ोन के अंदर जो भी कंटेंट दिख रहा है उसका जो फॉन्ट है वो आपको या तो छोटा लगता होगा या बड़ा लगता होगा, और आप ये चाहते हैं कि आप उसका साइज़ जो है अपने मन मुताबिक जो है कम या ज़्यादा कर पाए, यानी कि आप फॉन्ट का साइज़ जो है वो रिड्यूस कर सके या इनक्रीज़ कर सके। तो उसके लिए ये जो एप्लीकेशन है फॉन्ट रिसाइजर, ये बेस्ट एप्लीकेशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है फॉन्ट रिसाइजर। तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं फॉन्ट रिसाइजर। ये देखिए फॉन्ट रिसाइजर यहाँ पर आ गया, इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट रिसाइज एप्लीकेशन है जो कि नेटिव फॉन्ट्स की तरफ से है। इस एप्लीकेशन को जो है आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है और अब मैं इसे यहाँ से ओपन अप कर लूँगा। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन खुल गई है और इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा इंटरफेस नहीं है, ना ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सिंपल सी एप्लीकेशन है और सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा है 100% और अप्लाई दिखा रहा है, यानी कि इसमें जो फॉन्ट का साइज़ है वो अभी 100% है। इसके अलावा इसमें अलग अलग ऑप्शंस भी है आपको जो पहले से ही इसमें सेट किए गए हैं, जैसे कि नॉर्मल का 85%, 200%, 90%, नॉर्मल 200, तो ये सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। ये देखिए 75%, 85%, 250%, 130%। तो यहाँ से आप अपने मन मुताबिक जो है फॉन्ट का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पहले से प्री डिफाइंड कोई साइज़ चाहिए तो आप सिंपली उस साइज़ पे जा करके यहाँ पे आपको राइट में जो है अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है तो उतना हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको अपने हिसाब से जो है कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो ऊपर आपको दिख रहा है 100, जहाँ पर ये ग्रीन डॉट बना हुआ है, आपको इसको लेफ़्ट या राइट में स्लाइड करना है। तो ये देखिए, जैसे मैं इसे राइट में स्लाइड कर रहा हूँ तो ये साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे मैं लेफ्ट में सेट कर रहा हूँ तो साइज़ कम हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे 150% चाहिए, तो मैं यहाँ 150% सिलेक्ट करके और इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये देखिए, तो ये देखिए अभी स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें जो भी दिखाएगा वो 150% तक इंक्रीज़ हो चुकी है, उसका फॉन्ट जो है वो 150% तक बढ़ चुका है। ये देखिए, यहाँ से आप कुछ भी आप ओपन अप करेंगे तो वो आपको 150% जो है साइज़ उसका बढ़ा हुआ दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ों का साइज़ है तो वो बढ़ चुका है। अब आप फिर से इसी एप्लीकेशन में चले जाइए, और एप्लीकेशन में जाने के बाद आप यहां से इसका साइज़ और ज़्यादा या कम अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका साइज़ जो है अभी 257% करके अप्लाई कर देता हूं। ये देखिए होम पे अभी जो है सारे आइकन्स, उनका जो फॉन्ट है वो सभी बड़ा हो चुका है। तो इसके अलावा आप जो है इसके अंदर अगर साइज़ को कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। जैसे हमारा 100% था तो हम 100 से मान लीजिए 50% कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हम 50% ले जाते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये छोटा हो गया है। अभी होम पे जा करके देख लेते हैं, आप देख सकते हैं सारा फॉन्ट जो है छोटा दिखा रहा है। व्हाट्सएप पे भी देखिए, सारा फॉन्ट जो है अभी छोटा दिखा रहा है। तो ये एप्लीकेशन अगर आपको आपके स्क्रीन के ऊपर फॉन्ट का साइज़ अगर आपको भी कम करना पड़ रहा है या ज़्यादा करना पड़ रहा है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस एप्लीकेशन को लेकर के। थैंक यू सो मच।